हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। तो आज जो पर्टिकुलर जो डेट है, आज आपको 28 जुलाई है और आज का दिन ही 28 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये बताना चाह रही हैं, जो इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, इनका नाम है पूनम खेतपाल सिंह। इन्होंने कहा है कि अर्ली डायग्नोसिस है इज द गेटवे फॉर बोथ प्रिवेंशन एंड द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। इस चीज़ को आप याद रख लेंगे, अर्ली डायग्नोसिस अगर आप कर लेते हैं किसका, हेपेटाइटिस का, तो वो गेटवे है फॉर बोथ प्रिवेंशन के लिए भी और उसके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए। आप इस वर्ड को यहीं पर आप लिख लें, इस चीज़ को आप समझ लें कि जो अर्ली डायग्नोसिस है वो गेटवे है बोथ प्रिवेंशन एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए। इन्होंने कहा है कि ऑन दिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज हाईलाइटिंग द नीड टू ब्रिंग द हेपेटाइटिस केयर क्लोज टू द पीपल इन नीड। इट मीन्स मेकिंग द हेपेटाइटिस केयर अवेलेबल एफोर्डेबल, वर्ड देखिए, अवेलेबल एफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। हम इसे क्या बोलते हैं, 3A बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोसाइटी में ये वर्ड यूज होता है 3A, एफोर्डेबल बनाओ, एक्सेसिबल बनाओ और अवेलेबल बनाओ। अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल एफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा देखना, आप टू द ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज क्रूशियल इन द क्वेस्ट टू एलिमिनेट द वायरल हेपेटाइटिस एज ए पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030। आप जो बात कर रहे हैं कि एलिमिनेट करने का इस हेपेटाइटिस डिजीज को 2030 तक, तो आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3A, एक्सेसिबल, अवेलेबल, एफोर्डेबल और एक्सेसिबल। ग्लोबल टारगेट एलिमिनेट वुड ट्रांसलेट ए 90% रिडक्शन इन द इंसिडेंस एंड 65% रिडक्शन इन द मोर्टेलिटी बाय 2030 कम्पेयर टू द क्रॉसपेंडिंग फिगर ऑफ 2015, ठीक है। तो ये थोड़ा आप बेसिक है इसके बारे में। इन्होंने क्या क्या बताया है कि दिस एक्शन, द एक्शन अगेंस्ट द हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। वाई इज दैट, फर्स्ट हेपेटाइटिस इज द ओनली कम्युनिकेबल डिजीज। ये ओनली कम्युनिकेबल डिजीज है वेयर मोर्टेलिटी इज शोइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ग्लोबली। अप्रॉक्सिमेटली 354 मिलियन पीपल, ये आप डेटा यूज कर सकते हैं, 354 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द हेपेटाइटिस बी एंड सी। साउथ ईस्ट एशिया हैज 20% ऑफ द ग्लोबल मोर्बिडिटी बर्डन ऑफ हेपेटाइटिस। ये सब डेटा आप इसको यूज कर सकते हैं कि 354 मिलियन पीपल जो हैं वो सफरिंग है बी और सी हेपेटाइटिस से। हेपेटाइटिस के पांच होते हैं, ABCDE, पांच तरह का होता है, ठीक है। और जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें कितना परसेंट है, 20% टोटल मोर्बिडिटी बर्डन है हेपेटाइटिस, ठीक है। 90% ऑल हेपेटाइटिस रिलेटेड डेथ आर ड्यू टू द सिरोसिस एंड लीवर कैंसर कॉज बाय द हेपेटाइटिस बी एंड सी। याद रखना, इसकी वजह से लीवर कैंसर हो जाता है। ये पूछा जा सकता है कि एग्जामिनेशन UPSC में कि हेपेटाइटिस की वजह से क्या हो सकता है, तो सिरोसिस हो जाएगा और क्या हो सकता है, और कैंसर हो जाएगा, लीवर कैंसर हो जाता है, ठीक है। सेकंड इसका क्या है कि वायरल हेपेटाइटिस इज प्रिवेंटेबल। जो ये है प्रिवेंटेबल है। कैसे प्रिवेंटेबल है, क्लीन फूड एंड गुड पर्सनल हाइजीन अलॉन्ग विद एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। इस पर गवर्नमेंट बहुत वर्क कर रही है, कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हेपेटाइटिस ए एंड ई, ठीक है। आप सो थोड़ा याद रखना इसको, आप आगे बढ़ता हूँ और क्या बताना इसमें। मेजर्स टू प्रिवेंट द हेपेटाइटिस बी एंड सी नीड्स टू फोकस ऑन द फुल कवरेज विद द हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग द बर्थ डोज एज वेल एज द एक्सेस टू द सेफ ब्लड, सेफ सेक्स एंड सेफ नीडल यूजेज। तो जैसे कि क्या हो रहा है कि जो हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है बर्थ के समय, मतलब बच्चों को ये वाली आपको जो है वैक्सीन वो पड़ता है, ठीक है। और क्या है, थर्ड क्या है कि वर्ल्ड फ्री ऑफ हेपेटाइटिस इज प्रैक्टिकल एंड फिजिबल। वी हैव टू टूल्स द डायग्नोज ट्रीट प्रिवेंट एंड देयरफॉर एलिमिनेट द क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन एग्जिस्ट टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी है उसको प्रिवेंट करने के लिए इफेक्टिव वैक्सीन है। और इसमें इन्होंने क्या बोला है कि अलॉन्ग साइड न्यू एंड पावरफुल एंटीवायरल ड्रग्स डैट कैन मैनेज क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड क्योर मोस्ट केसेस ऑफ हेपेटाइटिस सी, ठीक है। दिस इंटरवेंशन टुगेदर विद अर्ली डायग्नोसिस एंड अवेयरनेस कैंपेन हैव पोटेंशियल टू प्रिवेंट 4.5 मिलियन प्री मेच्योर डेथ इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज बाय 2030 तक। ये 245 जो है ना, 4.5 मिलियन डेथ को आप, प्री मेच्योर डेथ को आप बचा सकते हो लो मिडिल इनकम कंट्री में, अगर आपने इन सब चीज़ों को अगर टुगेदर किया, दिस इंटरवेंशन टुगेदर विद अर्ली डायग्नोसिस करना, अवेयरनेस करना, ठीक है। तो आप ये सारे डिजीज में आप ये कर सकते हैं। हाउएवर एक्सेस टू डीज सर्विस आर ऑफन आउट ऑफ रीच फॉर द कम्युनिटीज एज दे आर यूजुअली अवेलेबल एट द सेंट्रलाइज्ड स्पेशलाइज्ड
स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल एट अ कॉस्ट विच कैन नॉट बी अफोर्डेबल। तो कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लोग अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं, गरीब लोग, ठीक है। पीपल कंटिन्यू टू डाई बिकॉज ऑफ लेट डायग्नोसिस। उनको पता ही चलता है, अर्ली डायग्नोसिस उनका जब ही करेंगे, जब उनको पता चलेगा। तो क्या होता है, उनको लेट पता चलता है। पीपल कंटिन्यू टू डाई बिकॉज ऑफ द लेट डायग्नोसिस और लैक ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। अर्ली डायग्नोसिस इज द गेट वे फॉर द बोथ प्रिवेंशन एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, ठीक है। मॉडेस्ट टेस्टिंग एंड द ट्रीटमेंट कवरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैप टू बी एड्रेस्ड इफ वी लुक एट द ट्रीटमेंट कास्केड ऑफ, ठीक है, कास्केड ऑफ साउथ ईस्ट साउथ एशियन रीजन। ओनली 10% ऑफ द पीपल विद हेपेटाइटिस नो देयर स्टेटस। 10% 100 में से 10% लोगों को ही पता होता है कि उसे हेपेटाइटिस की डिजीज है। एंड ऑफ देम 5% आर ट्रीटमेंट, उसमें से 5% जो है वो ट्रीटमेंट पर है। और ऑफ द एस्टिमेटेड 10.5 मिलियन पीपल विद द हेपेटाइटिस सी जस्ट 7% नो देयर स्टेटस। 10.5 में से जो है 7% जानते हैं कि उसे हेपेटाइटिस सी है। समझ पा रहे हैं कि अवेयरनेस कितने ज़्यादा कमी है। तो हेपेटाइटिस में क्या आपको करना है, अवेयरनेस का बहुत अच्छे से प्रोग्राम करना है। और इन्होंने जो वर्डिंग किया है उसको आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कैसे बताया है कि हेपेटाइटिस प्रैक्टिकल फिजिबल है, तो डायग्नोस करना है, ट्रीट करना है, प्रिवेंट करना है, एलिमिनेट करना है क्रोनिकल। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। आपको कैसे करना है, 3A। तो याद रखना है 3A क्या है, अवेलेबल, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल। ये आप हर किसी में आप लिख सकते हैं, अवेलेबल, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल, ठीक है। किसी भी डिजीज वगैरह में हो, जहाँ पर सोशल दिक्कत हो, वहाँ पर आप इसको लिख दें, ठीक है। 7% ऑफ विच अराउंड द वन ऑफ 1 in 5 आर ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें से एक 5 में से 1 ही का ट्रीटमेंट हो पा रहा है, ठीक है। दिस गैप नीड्स टू बी पैच्ड अप। दिस इज व्हाट दिस ईयर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कैंपेन इज ऑल अबाउट, ठीक है। Amid all the challenges, the region has continued to implement key intervention to the prevent, detect and treat hepatitis since 2016 when the region launched its action plan for the viral hepatitis 2016-21. Nine countries have achieved the more than 90% coverage of the third dose of the hepatitis B vaccine. 4 countries have achieved. थोड़ा data आपसे थोड़ा पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है। जब भी ऐसा न्यूज़पेपर में जब भी ऐसा कोई आर्टिकल आए तो आप खुद से पढ़ें, उसके बाद आप वीडियो देखें। मैं हमेशा ही बोलता हूँ, इन रोड टू द 2030 टारगेट एलिमिनेशन हेपेटाइटिस देर आर सम ट्रांजिशनल टारगेट टू। बीच बीच में आप अगर आपने यहाँ तक अगर आपने गोल किया है यहाँ से यहाँ तक का, तो आपको कुछ यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, फिर यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, फिर यहाँ तक आप यहाँ तक आप पहुँच जाएँ अपने मंजिल तक, ठीक है। 2025 वी मस्ट रिड्यूस द न्यू इन्फेक्शन ऑफ द हेपेटाइटिस बी एंड सी। आप इतना कम करो बाय हाफ, रिड्यूस द डेथ फ्रॉम द लिवर कैंसर बाय 40%, इंश्योर दैट 60% पीपल लिविंग इन द हेपेटाइटिस बी एंड सी आर डायग्नोस्ड एंड दैट हाफ ऑफ द एलिजिबल रिसीव एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो ये सब चीज़ें आपको उस गोल तक तो पहुँचना है, लेकिन उसके बीच में भी जो 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 छोटे छोटे है डे टास्क है उसको भी आप मीट करते जाएँ, ये कहना चाह रही है बेसिकली, ठीक है। दिस कैन ओनली बी अचीव्ड इफ हेपेटाइटिस केयर रीचेज द कम्युनिटी। सेवरल प्रायोरिटीज मस्ट बी एड्रेस्ड फॉर दिस। दिस इंक्लूड द नीड टू एनहांस द पोलिटिकल कमिटमेंट across all the countries of the regions and ensure sustainable domestic funding for the hepatitis, improve the access to drug। इस सब वर्ड को देखिए, improve access to drug, आप access to drug दें आप, diagnosis by the further reducing the price, उसका प्राइस को आप डाउन करें, उस डायग्नोसिस का जो मेडिसिन उसका प्राइस आप डाउन करें, डेवलप करें कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी टू इंक्रीज द अवेयरनेस करें, एंड इनोवेट करें सर्विस डिलीवरी टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ द डिफरेंट एंड द पीपल सेंटर, ठीक है। क्या करना है कि एंड इनोवेट करना है सर्विस डिलीवरी को, मैक्सिमाइज करना है द यूज ऑफ डिफरेंशिएट एंड पीपल सेंटर सर्विस, ठीक है। पीपल सेंटर सर्विस होना चाहिए डिलीवरी ऑप्शंस, ठीक है, अक्रॉस HIV वायरल हेपेटाइटिस एंड द STI टेलर्स एंड डिलीवर्ड सर्विस अकॉर्डिंग टू द पीपल्स नीड एंड प्रिफरेंसेज इन द लाइन विद द प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है, टर्सरी हेल्थ केयर होता है, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। डिसेंट्रलाइजिंग हेपेटाइटिस केयर फॉर टू पेरीफेरियल हेल्थ फैसिलिटीज, कम्युनिटी बेस्ड वेन्यूज एंड लोकेशन बियॉन्ड हॉस्पिटल साइट्स, ब्रिंग केयर नियर टू द पेशेंट होम्स, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंटीग्रेटेड रीजनल एक्शन प्लान वायरल हेपेटाइटिस HIV एंड STIs 2022-26 इज बीइंग डेवलप्ड बाय द WHO। दिस विल इंश्योर द इफेक्टिव एंड द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द रीजन एंड विल गाइड द कंट्रीज टू अडॉप्ट ए पर्सन सेंटर्ड अप्रोच रादर देन ए डिजीज स्पेसिफिक वन। एज वी ऑब्जर्व वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वी मस्ट एक्ट टुगेदर विद कम्युनिटीज एंड ऑल
एंड ऑल, ये देखिए ये आपको क्या है, ये आपको कंक्लूजन है, देख रहे हैं आप, जब आपका ऐसे आप ऐसे लिखें, एज वी ऑब्जर्व वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे वी मस्ट एक्ट टुगेदर विद द कम्युनिटीज एंड ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर द फ्यूचर फ्री ऑफ हेपेटाइटिस, दिस विल ले द फर्म फाउंडेशन फॉर द हेल्थियर मोर इक्विटेबल एंड द मोर प्रोस्पेरस वर्ल्ड। तो ये क्या है, ये फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर कंक्लूजन इन्होंने दे दिया है कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो आपको ऐसे में भी सेम ऐसे करना पड़ता है आंसर राइटिंग में भी। तो वो आपने कंक्लूजन वहाँ पर आपने देख लिया था। चलिए मैं आपको अभी WHO के मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं लेकर के आया हूँ। तो यहाँ आपको हेपेटाइटिस के बारे में कुछ आपको पता चलेगा। तो जो भी आर्टिकल लिखते हैं वो यहीं से सारा जो डेटा वगैरह है ये बेसिकली यूज़ करते हैं। इन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, क्या होता है, लीवर का सूजना, ठीक है, डैट इज कॉज बाय द वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन वायरसेस, ठीक है, ये यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड मिलेगा आपको, एंड नॉन इन्फेक्शन एजेंट लीडिंग टू द रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम सम ऑफ द विच कैन बी फेटल। 5 मेन स्ट्रेन होते हैं ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस ABCDE, वाइल दे ऑल आर कॉज द लीवर डिजीजेज। ये सब क्या करते हैं, ये सब लीवर डिजीज कॉज करते हैं। दे डिफर इन द इम्पोर्टेंट वेज इंक्लूडिंग द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये डिफर करते हैं एक दूसरे से मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, सेवरिटी ऑफ द इलनेस, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिवेंशन मेथड, हर किसी का अलग अलग है, हर किसी का ट्रांसमिशन अलग है, हर किसी का सिविलिटी ऑफ द इलनेस अलग है, उसके ज्योग्राफिकल डिस्टर्बेंस डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसका अलग है, ठीक है। टाइप्स बी एंड सी लीड टू द क्रोनिक डिजीजेज इन द हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एंड टुगेदर आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द लीवर सिरोसिस एंड द लीवर कैंसर। याद रखिएगा, लीवर सिरोसिस और सीवर कैंसर किसके कारण हो रहा है, बी और सी कारण, ये वहाँ भी डेटा आपको मेंशन था, ठीक है। एंड वायरल हेपेटाइटिस रिलेटेड टू द डेथ, एन एस्टिमेटेड 354 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लिव विद हेपेटाइटिस बी एंड सी, फॉर मोस्ट टेस्टिंग एंड द ट्रीटमेंट रिमेन बियॉन्ड रीच। या आप थोड़ा याद रखेंगे आप इस चीज़ को। और क्या है, सम टाइप्स ऑफ, ठीक है, तो ये था कुछ आपको बेसिक जो कि यहाँ भी आपको दिख रहा है। सम टाइप्स ऑफ द हेपेटाइटिस आर द प्रिवेंटेबल थ्रू द वैक्सीनेशन, जो कुछ जो टाइप्स हैं वो वैक्सीनेटेड द्वारा वो आपको प्रिवेंटेबल है, ये बात थोड़ा याद रखना है। A WHO study found that and the estimated 4.5 million premature deaths could be prevented in the low and middle income countries. दिख रहे हैं सेम वर्ड यहाँ से उन्होंने उठाए हैं, ठीक है। तो आप भी बताएं कमेंट सेक्शन में कौन सा जो हेपेटाइटिस है उसका जो वैक्सीन अवेलेबल है और किसका वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो आपको बेसिक था कुछ, 354 मिलियन पीपल ग्लोबली लिव विद हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन, ये आपको कुछ फैक्ट है, ठीक है। हेपेटाइटिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2022, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ देखिए, इसका कुछ थीम दिखाता हूँ मैं आपको। ये एलिमिनेशन ऑफ द वायरल हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट, ये थीम है इस ये पर्टिकुलर, ठीक है। ये देखिए आप, अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ WHO का, आपको दिख जाएगा 1 मिनट। ये देखिए मैं आपको वीडियो प्ले करता हूँ, आप सुनिएगा आप ध्यान से क्या बोल रहे हैं।
दोस्तों, ये आपने सुना, आपने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड उन्होंने जो बताए हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक। आप वेबसाइट पे जाया करें, वेबसाइट आप रेगुलर विजिट करते रहें वेबसाइट, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप जहाँ से अबाउट आप WHO पढ़ सकते हैं, डेटा वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या होता है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। मैं आपको रोक देता हूँ, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे है देख लेना आप इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा है, ये आप थोड़ा सा देखना जाकर के। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ आप उसका आंसर जरूर बताना। मेंस के मेन आपको मैं एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दे देता हूँ मेंस का। आपके अकॉर्डिंग 5 वेज बताएं जिसके तहत मैं हम लोग हेपेटाइटिस को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है, और 5 रीज़न बताएं जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ है वो फैल रहा, मतलब जो है वो बेसिकली फैल रहा है, ठीक है। इसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए 5 सॉल्यूशन, और इसका कारण क्या है, 5 रीज़न क्या है, और हेपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं ये आप मुझे बताएं, ठीक है दोस्तों। और एशिया की कौन सी कंट्री जो हेपेटाइटिस फ्री है, आप मुझे ये भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।